हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम असीफ और आप देख रहे हैं टेक क्रैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पीयूष जोशी के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जो आप जानते तो है बट उसे देखना नहीं चाहते। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी के टाइम पर यूट्यूब पर पीयूष जोशी के नाम पर बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं। पीयूष जोशी ने ब्रेक बना लिया, पीयूष जोशी ने 24 घंटे पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया, पीयूष जोशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया वगैरह वगैरह। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीयूष जोशी कौन है। पीयूष जोशी सौरभ जोशी का छोटा भाई है। और सौरभ जोशी कौन है? सौरभ जोशी इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि पीयूष जोशी कौन है और सौरभ जोशी कौन है। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग चैनल पर एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो। और इस वाले वीडियो में सौरभ जोशी ने सीधे सीधे अपने छोटे भाई पीयूष जोशी का जो गेमिंग चैनल है, नया चैनल, उसको सीधे सीधे प्रमोट कर दिया। दोस्तों, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और सब्सक्राइबर्स के लिए कह दिया। अगर सब्सक्राइबर के लिए ना भी कहता तो वैसे भी उस चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। दोस्तों, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ, उसके फिर रातों रात सौरभ जोशी यानी कि उसके छोटे भाई पीयूष जोशी का जो गेमिंग चैनल है, पीयूष जोशी गेमिंग, उस चैनल पर रातों रात सब्सक्राइबर की बारिश होने लगी। और देखते ही देखते उस चैनल पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो अब मुझे आप बताओ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो यार, पीयूष जोशी कोई आम बच्चा नहीं है। पीयूष जोशी का जो पहले से ऑलरेडी उसके बहुत सारे मतलब मिलियंस में फैंस है, मिलियंस में फॉलोवर्स है। आपने देखा होगा सौरभ जोशी के अक्सर व्लॉग में पीयूष जोशी को डाला जाता है, मतलब उसका नाम यूज़ किया जाता है, थंबनेल में उसकी फ़ोटो यूज़ की जाती है, जिससे कि उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते। तो मेरे हिसाब से ये जो पीयूष जोशी का जो चैनल पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हो, ये मेरे हिसाब से पीयूष जोशी के लिए बहुत छोटी सी अचीवमेंट है। क्योंकि देखो यार, ऑलरेडी पीयूष जोशी के बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में फैंस है। तो होता क्या, सो ऑलरेडी जो सौरभ जोशी है वो खुद अपने व्लॉग चैनल पर वीडियो बनाता है और अपने छोटे भाई का जो चैनल है गेमिंग चैनल, उसको सीधे सीधे प्रमोट कर देता है। तो ऐसे में सब्सक्राइबर्स तो आना ही था दोस्तों। तो आप सभी को कौन से एंगल से दिखाई देता है कि पीयूष जोशी ने रातों रात सब्सक्राइबर बढ़ा के रिकॉर्ड बना लिया? आपको कौन से एंगल से दिखाई देता है? वो पहले से बंदा फेमस था, इसलिए उसको बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स है, इसलिए उसको रातों रात उसको सब्सक्राइब करे। और ये बहुत पहले से ही जो उसके फैंस है उसको इंतज़ार था कि चैनल कब बनाएगा और उसको वो सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉर्ड बनाना किसे कहते हैं। पीयूष जोशी के जगह अगर आप होते या फिर मैं होता या फिर अभी थोड़े दिन पहले जो ट्रेंड चल रहा था आदित्य व्लॉग चैनल, अगर वो बंदा होता, वो बंदा भी 1 महीने में 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा था। ओके, अगर वो आदित्य व्लॉग चैनल सिर्फ रातों रात अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके चैनल पर कंप्लीट करता तो हम बोल सकते थे कि भाई इस बंदे ने रिकॉर्ड बनाया, इस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया। तो उसको कहते थे दोस्तों रिकॉर्ड बनाना। बट पीयूष जोशी ने जो अपने चैनल पर जो सब्सक्राइबर, जो ऑटोमेटिकली जितने भी फॉलोवर्स थे, जितने भी फैन फॉलोइंग थी, जो आकर उसको सब्सक्राइब किया, उसको करने से रिकॉर्ड बनाना नहीं कहते। तो अगर आम आदमी, अगर आम बच्चा, अगर उसकी जगह आप या फिर मैं या फिर जो आदित्य व्लॉग या किसी भी बंदा जो पहले ये फील्ड में नहीं था, अगर वो बंदा आकर रातों रात अगर कुछ इस तरह से फेमस होता है तो उसको कहते हैं दोस्तों रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड ब्रेक करना। तो इसमें पीयूष जोशी ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। और जहाँ तक न्यू क्रिएटर्स की बात है, जब से वो पीयूष वाले चैनल को देखा है, जब से उनके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब चल रहा है, मतलब वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने देखे अभी के टाइम पर यूट्यूब पर चल रहा है, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, न्यू क्रिएटर्स, वो कह रहे हैं कि भाई कोई बंदा आता है रातों रात चैनल बनाता है, ढेर सारे सब्सक्राइबर गेन कर लेता है, व्यूज़ कर लेता है, व्यूज़ पा लेता है। दोस्तों, ऐसे में हम बहुत मेहनत से हार्ड वर्क करें, हमारा जो चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो यह सिंपल सी बात है, वो बंदा ऑलरेडी पहले से फेमस था, इसलिए वो चैनल एक नहीं और एक चैनल भी बना लेता है तो वही सेम जो सब्सक्राइबर्स है वो भी चैनल पर उसको मिलने वाले सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी पीयूष जोशी जैसा बनना चाहते हो लाइफ में, तो भाई पहले स्ट्रगल करो, पहले खूब मेहनत करो, अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करो अपने चैनल पर। ये मत देखो कि भाई वो आगे जा रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये मत देखो, जिसे आप डिमोटिवेट हो सकते हो। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर देखिए दोस्तों, किसी का लक चलता है कि और कई किसी की जो मेहनत होती है वो मेहनत उसको
बहुत महीनों के बाद उसको जो सफलता है वो देखने को मिलती है। अगर ऐसे में अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो सिर्फ आपको करना है कि अपने कंटेंट पर आपको फोकस करना है, अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करो ताकि आपका कोई एक वीडियो वायरल हो जिससे आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम कंप्लीट होगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप भी फेमस होने लगेंगे। दोस्तों सिर्फ आपको करना है कि अपने कंटेंट पर आपको फोकस करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय।